हेलो स्टूडेंट, आई एम आशीष चावला एंड टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है तो उसको हम एक पर्टिकुलर रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे। हाउ वी कैन डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, ये फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम एक लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे इन द गिवन रेशियो। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। लेट टेक एन एग्जाम्पल, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ लेट्स से 8 सेंटीमीटर इन द रेशियो 3:4। हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, उसे हमें 3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। लेट्स से हमने ये लाइन सेगमेंट बना ली 8 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, दैट इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बना ली। नाउ विथ टेकिंग ए पॉइंट ए, पॉइंट ए पे विद द हेल्प ऑफ डी, हम कोई सा भी एक एक्यूट एंगल बना लेंगे। एट पॉइंट ए पे हम कोई सा भी एक एक्यूट एंगल बना लेंगे। इस तरह से हमने एक्यूट एंगल बना लिया, लेट्स से ए एक्स, इसको हमने नाम दे दिया ए एक्स, इज अ रे ए एक्स एंड दिस इज एन एक्यूट एंगल। एंगल बी ए एक्स इज एन एक्यूट एंगल, कोई सा भी हम एक्यूट एंगल बना लेंगे यहाँ पे। नाउ क्योंकि हमें ए बी को, वी हैव टू डिवाइड ए बी इन द रेशियो, हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड ए बी इन द रेशियो 3:4। हमें इसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो हमें गिवन है उसका हम एडिशन कर लेंगे। 3 और 4 का हम एडिशन करेंगे, दैट इज 7। 3 और 4 का हमने एडिशन किया, दैट इज 7। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन जो रे ए एक्स है इसकी हम 7 पार्ट्स करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपास पे हम कोई सा भी रेडियस सेट कर लेंगे, एनी रेडियस, एंड विथ टेकिंग ए एज अ सेंटर हम इस पे आर्क कट करेंगे। ये फर्स्ट आर्क कट किया, फिर इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A1। फिर हमने उस रेडियस को चेंज नहीं करेंगे, उसी सेम रेडियस से हम A1 को सेंटर रखते हुए एक और आर्क काटेंगे A2, फिर A2 को सेंटर रखते हुए वापस एक और आर्क काटेंगे, दैट इज A3। इस तरह से हम 7 आर्क काट देंगे, दैट इज A4, A5, A6 एंड A7। हमें रेडियस को चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें इसके इक्वल पार्ट्स करने, और इक्वल पार्ट्स करने के लिए हमें रेडियस को सेम रखना पड़ेगा, दैट इज A1 इक्वल्स टू A1 A2 A2 A3 इज इक्वल टू A3 A4 A3 A4 इक्वल टू A4 A5, यानी ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, दैट इज A1 इक्वल टू A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5 A6 एंड इक्वल टू A6 A7, ऑल आर इक्वल पार्ट्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट पॉइंट है हमारा दैट इज A7, इसको हम B से कनेक्ट कर देंगे। नाउ वी कनेक्ट A7 टू B, इसको हमने B से कनेक्ट कर दिया, A7 को हमने B से कनेक्ट कर दिया। नाउ क्योंकि जो हमारा रेशियो है उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज 3 है, फर्स्ट पार्ट क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट A3 से, क्योंकि 3 है तो हम A3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट 3 है तो हम A3 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि A7B के पैरेलल हो। वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट A3 व्हिच इज पैरेलल टू A7B। व्हाट वी हैव टू डू, वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A3 which is parallel to A7B। ओके, पैरेलल लाइन हमें बनानी आती है, और लेट्स अगर नहीं आती तो देखिए कैसे बनाएंगे हम पैरेलल लाइंस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A7 को सेंटर रखते हुए किसी भी रेडियस का, A7 को सेंटर रखते हुए किसी भी रेडियस का एक हम आर्क बनाएंगे। ये हमने आर्क बना दिया, और उसी रेडियस को हम चेंज नहीं करेंगे। नाउ A3 पे उसी रेडियस का हम एक और आर्क बना लेंगे, सेम विद द सेम रेडियस हमने यहाँ पे आर्क बना लिया। नाउ लेट्स से ये जो आर्क है वो यहाँ पे इस पॉइंट M पे कट कर रहा है और इस लाइन को N पे कट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट M और ये हमारा पॉइंट N यहाँ पे कट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंपास से M और N को मेजर कर लेंगे। M को सेंटर रखा और N को मेजर कर लिया, MN को हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। M को सेंटर रखा और MN एज अ रेडियस हमने इसको मेजर कर लिया, MN एज अ रेडियस ले लिया। नाउ लेट्स इस पॉइंट पे कुछ नाम दे दिया हमने, लेट्स से S, ओके,
हमने जो एम एन यहाँ से जो रेडियस मेजर किया है, तो उस रेडियस को लेते हुए हम एस को सेंटर रखेंगे और एक आर्क काटेंगे, एस को सेंटर रखेंगे और एक आर्क काटेंगे, और सिंपली हम क्या करेंगे, ए थ्री और ये जो आर्क जो कटा है इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो यानी ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्क जहाँ पे कटा है उस पॉइंट को लास्ट से हमने नाम दे दिया सी। तो अगर हम मेजर करें ए सी और सी बी को, तो हम पाएंगे अगर हम मेजर करें ए सी और सी बी को, तो इनका जो रेशियो आएगा दैट इज 3/4। अगर हम रेशियो फाइंड करें तो इनका रेशियो क्या आएगा, 3/4। सो इस तरह से हम इसको गिवन लाइन को 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे ये 3:4 के रेशियो में ही डिवाइड क्यों हुई। इसका हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, लेट्स सी द जस्टिफिकेशन। देखिए यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल ए ए सेवन बी कंसिडर करें, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ए थ्री सी पैरेलल टू ए सेवन बी, ये हमने बनाया थ्रू कंस्ट्रक्शन, ये लाइन पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट ए ए थ्री अपॉन ए थ्री ए सेवन शुड बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी। ओके नाउ, क्योंकि ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं, ए ए वन ए वन ए टू, लेट से इन सारे पार्ट्स को हमने नाम दे दिया एक्स, इनकी यूनिट कितनी है, लेट से एक्स। ओके तो हाँ, अगर मैं ए से ए थ्री का डिस्टेंस देखूँ तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज 3x, मैं ये बोल सकता हूँ। और ए थ्री से ए सेवन का डिस्टेंस कितना है, देखिए एक्स 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 दैट इज 4x। सो 4x इक्वल्स टू ए सी बाय सी बी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 3/4, यानी ए सी इज टू सी बी का रेशियो कितना हो गया, 3:4। दिस इज योर जस्टिफिकेशन। तो एक बार फिर से देख लेते हमने करा क्या। हमने पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, फिर इसके बाद ए पे हमने एक्यूट एंगल बनाया। एक्यूट एंगल बनाने के बाद हमने क्या किया, इस लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 7 इक्वल पार्ट्स में क्यों किया, क्योंकि 3 और 4 का सम 7 था, इसलिए हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ जो लास्ट पॉइंट था उसको हमने बी से कनेक्ट कर दिया। नाउ अब क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट 3 था, तो इसलिए हमने 3 से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि ए सेवन बी के पैरेलल है, तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन जहाँ पे ए बी को इंटरसेक्ट करेगी उसको नाम दे दिया सी, और ए सी इज टू सी बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4, और जिसका जस्टिफिकेशन अभी हमने देखा। तो इस तरह से हम एक लाइन को पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। हम कंस्ट्रक्ट एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि सिमिलर होगा गिवन ट्राइंगल के, यानी कहने का मतलब ये होगा कि आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा और उस गिवन ट्राइंगल के सिमिलर हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म को हम डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। देखिए स्केल फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द इट इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल टू द corresponding साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो स्केल फैक्टर बेसिकली क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल। सो इन शॉर्ट वी राइट स्केल फैक्टर क्या है, साइड ऑफ कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल टू द साइड ऑफ गिवन ट्राइंगल। ओके बेसिकली ये है। इस पे बेस से हम एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए इस स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग स्केल फैक्टर कई सिचुएशन में ग्रेटर देन वन भी हो सकता है और लेस देन वन भी हो सकता है। तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे, जब स्केल फैक्टर वन से बड़ा होगा तो क्या कैसे करना है कंस्ट्रक्शन, और जब स्केल फैक्टर लेस देन वन होगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। लेट्स से कंसिडर करते हैं व्हेन द स्केल फैक्टर इज लेस देन वन, व्हेन स्केल फैक्टर इज लेस देन वन। चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट टेक एन एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड सी ए 6 सेंटीमीटर। नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विच इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी सच दैट each of its side is two third of the side
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है पहले, तो जिसकी साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4, 5 एंड 6। ओके, नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे इस गिवन ट्राइंगल के, ये हमारा एक तरह से गिवन ट्राइंगल हो गया, दैट इज ए बी सी। इस गिवन ट्राइंगल के सिमिलर हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी जो साइड्स होंगी वो ए बी सी के ट्राइंगल्स की 2/3 होंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि पहले हम ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर लें। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ए बी बना लेता हूँ। लेट से दिस इज ए बी लाइन, ए बी दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये भी मैंने बना ली। उसके बाद मुझे बी सी बनानी, दैट इज 5 सेंटीमीटर और सी ए 6 सेंटीमीटर। तो मुझे बी सी 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बी को सेंटर रखा मैंने और विद द हेल्प ऑफ कंपास आई मैंने रेडियस 5 सेंटीमीटर ले लिया। बी को सेंटर रखा और 5 सेंटीमीटर एज ए रेडियस लिया, क्योंकि बी सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो बी को मैंने सेंटर रखा और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और एक कार्क मैंने कट कर दिया इस तरह से, ठीक है ना। अब सी इस पॉइंट पे, इस आर्क पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे है हमें ये नहीं पता। हमें जो सी का जो डिस्टेंस है वो ए से भी पता है, सी ए इक्वल्स टू 6। तो हम क्या करेंगे, ए को सेंटर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके, 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम एक आर्क कट करेंगे। तो ये दोनों आर्क जहाँ कट करेंगे वो हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। फाइनली आप ए और सी को कनेक्ट कर लीजिए और बी और सी को भी कनेक्ट कर लीजिए। तो ये तो आपका गिवन ट्राइंगल हो गया, दैट इज योर गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल क्या है हमारा, ए बी सी, ये आपका गिवन ट्राइंगल है ए बी सी। ओके, तो जो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। नाउ अब क्या करेंगे, अब मेन हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। हम क्या करेंगे, वापस ए को, पॉइंट ए पर हम एक एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। कोई सा भी आप एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ये हमने एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। लेट्स से इस रे को मैंने नाम दे दिया ए है। अब हमारा जो स्केल फैक्टर गिवन है हमें, स्केल फैक्टर क्या है हमारा, दैट इज 2/3। जैसा कि हमने स्केल फैक्टर को डिफाइन किया था, 2 रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल, जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्राइंगल सिमिलर, और 3 इज योर गिवन ट्राइंगल। किसकी साइड है, ऑफ द गिवन ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ए एक्स के हम कितने पार्ट्स करेंगे, कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से विच एवर इज ग्रेटर मेक दैट मैनी इक्वल पार्ट्स। हम उतने इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी ग्रेटर होगा हम उसके उतने ही पार्ट्स करेंगे। तो क्योंकि इसमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम इसके कितने पार्ट्स करने हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो भी ज़्यादा होगा हम उतने ही इसके पार्ट्स करेंगे। लेट्स से यहाँ पे 3 मोर है कंपेयर टू 2, तो हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। और 3 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे, हम कंपास लिया हमने, कंपास में कोई सा भी एक रेडियस फिक्स किया। नाउ ए को सेंटर रखा, आर्क काटा, लेट्स इसको हमने नाम दिया A1। फिर वापस A1 को सेंटर रखा, रेडियस हमने चेंज नहीं किया है। फिर A1 को सेंटर रखते हुए वापस एक और आर्क काटा, फिर A2 को सेंटर रखते हुए एक और आर्क काटा A3। तो इस तरह से हम 3 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। इज इट क्लियर। उसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि हमें बी को किससे कनेक्ट करना है। देखिए अब वापस हम स्केल फैक्टर पे आएंगे। स्केल फैक्टर पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा गिवन ट्राइंगल है, ठीक है, वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 को। जो गिवन ट्राइंगल है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 को, तो इसलिए हम पॉइंट 3 से बी को कनेक्ट करेंगे। हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम बी को किस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। बी को हम कनेक्ट करेंगे डिनोमिनेटर वाले पॉइंट से। तो इसको लिख लेते हैं हम, कनेक्ट बी टू द A3। हमने A3 से क्यों कनेक्ट किया, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जो स्केल फैक्टर है उसमें आप नीचे देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है हमारा गिवन ट्राइंगल को, तो इसलिए हम 3 को, A3 पॉइंट को बी से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये हमने कनेक्ट कर दिया। नाउ अब हमें जो ट्राइंगल सिमिलर कंस्ट्रक्ट करना है, देखो उसको, वो 2 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, वो 2 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यानी A2। तो यानी हम A2 से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि A3B के पैरेलल हो। वी टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A टू वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू A3। हम A2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो A3B के पैरेलल हो। लेट्स ये पॉइंट B' पे कनेक्ट करिए। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम B' से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल हो। हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करना ऑलरेडी सीख चुके हैं,
हम वापस से कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले केसेस में ड्रॉ की ये पैरल लाइन्स, वैसे ही सेम करेंगे। बी सी के हम लाइन ड्रॉ करेंगे पैरल फ्रॉम बी डैश, बी डैश से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी सी के पैरल हो। पैरल ड्रॉ कर दी हमने, लेट्स ये लाइन, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम बी डैश वी ड्रॉ अ लाइन पैरल टू बी सी, क्लियर। तो नाउ अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, सो अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड, दैट इज ए बी डैश सी डैश। ए बी डैश सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसकी साइड्स क्या है, जिसकी जितनी भी अगर हम साइड मेजर करें वो सारी की सारी साइड्स टू थर्ड होंगी टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ये हमारी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश है उसकी साइड टू थर्ड ऑफ ए बी सी है। चलो देखते हैं इसका प्रूफ हम, जस्टिफिकेशन, लेट्स सी द जस्टिफिकेशन ऑफ इट। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्राइंगल ए ए थ्री बी को, ट्राइंगल ए ए थ्री बी को, ए ए थ्री बी में देखिए कि ए टू बी डैश इज पैरेलल टू, ए टू बी डैश इज पैरेलल टू ए थ्री बी। सो बाय बी पी टी वी कैन से दैट, वी कैन से दैट ए ए टू, ए टू अपॉन ए ए टू अपॉन ए ए थ्री इज इक्वल्स टू ए बी डैश अपॉन ए बी। ओके, हम ये बोल सकते हैं ए ए टू, ए ए टू अपॉन ए ए थ्री इज इक्वल्स टू ए बी डैश अपॉन ए बी। और जैसे कि हमें पता है कि तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, दैट इज, लेट्स इसको हमने नाम दे दिया एक्स, दैट इज एक्स एंड दैट इज एक्स। तो अगर ए ए टू का डिस्टेंस देखें तो दैट इज टू एक्स, और ए ए थ्री का डिस्टेंस देखें तो दैट इज थ्री एक्स। तो ए ए टू की जगह मैं टू एक्स लिख दूँ और ए थ्री की जगह थ्री एक्स लिख दूँ, सो ए बी डैश अपॉन ए बी, सो ए बी डैश अपॉन ए बी का रेशियो कितना हो गया, टू थर्ड, क्लियर। तो यानी यहाँ से एक चीज़ तो शो हो गई कि ए बी डैश ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश और साइड ए बी ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका रेशियो कितना आ रहा है, टू बाई थ्री आ रहा है। तो एक पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया, दैट इज टू बाई थ्री आ रहा है। नाउ रेस्ट ऑफ, नाउ अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश। नाउ हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में हम देख रहे हैं कि बी डैश सी डैश इज पैरेलल टू बी सी। अगेन वी अप्लाई द बी पी टी, बी पी टी फिर से हम अप्लाई करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी डैश अपॉन ए सी। नाउ ए बी डैश अपॉन ए बी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, दैट इज टू बाई थ्री, तो इसकी जगह हम टू बाई थ्री लिख दें, दैट इज ए सी डैश अपॉन ए सी। तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया कि ए सी डैश, ए सी डैश अपॉन ए सी का रेशियो भी कितना हो गया, क्लियर। नाउ अब देखिए इधर, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसका भी रेशियो टू बाई थ्री है और इसका भी रेशियो टू बाई थ्री है। फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट, फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से दैट ए बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी डैश अपॉन ए सी, बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी कैन से दैट बी डैश सी डैश इज पैरेलल टू बी सी, बी डैश सी डैश इज पैरेलल टू बी सी। क्योंकि जो बी डैश सी डैश है वो बी डैश सी डैश जो लाइन है वो ट्राइंगल्स की दो साइड्स ए बी और ए बी, ए बी और ए सी को दो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि बी डैश सी डैश इज पैरेलल टू बी सी। और अगर बी डैश सी डैश इज पैरेलल टू बी सी है तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बी डैश सी डैश इज पैरेलल टू बी सी। ये हमने प्रूव कर दिया, अगर ट्राइंगल हम ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश को देखें तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ऑफ ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश। वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल। सेम वे एंगल सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू सी डैश बाय अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश। सो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम बोल सकते हैं कि सारी साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा ही सही, दैट इज ए बी अपॉन ए बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, दैट इज ए सी अपॉन ए सी डैश, क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू टू बाय थ्री, सॉरी थ्री बाय टू। तो अगर एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें एक तो कंस्ट्रक्शन तो करनी ही है,
साथ साथ में हमें स्टेप्स भी दिखानी पड़ेगी और जस्टिफिकेशन भी हमें करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके अभी तो हमने ये केस डिस्कस किया जब स्केल फैक्टर 1 से छोटा था। नाउ अब हम केस कंसिडर करेंगे जब स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हो, तो हमें कैसे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या चेंजेस हो सकते हैं। ओके लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। नाउ द सेकंड केस व्हेन द स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। ओके तब क्या होगा, लेट टेक एन एग्जांपल। ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी विद साइड BC equals to 7 cm, angle B 45 degree and angle A is 105 degree. Then construct a triangle whose side is 4 by 3 times the corresponding side of triangle ABC. हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक triangle ABC construct करना है जिसकी एक साइड दे रखी है दैट इज 7 सेंटीमीटर और दो एंगल्स हमें गिवन है दैट इज 45 डिग्री एंड 105 डिग्री। और ये तो एक तरह से हमारा गिवन ट्राइंगल हो गया। और इस गिवन ट्राइंगल के सिमिलर हमें एक ट्राइंगल और कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड क्या होगी, 4/3 टाइम्स होगी ट्राइंगल ए बी सी के। ओके तो स्केल फैक्टर हमें गिवन है दैट इज 4/3। ये हमारा ट्राइंगल विच इज टू बी कंस्ट्रक्टेड वो साइड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और ये जो 3 है ये हमारा गिवन ट्राइंगल को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ओके इट इज क्लियर। नाउ सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है तो लेट सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, साइड बी सी। ये बी सी हमने 7 सेंटीमीटर बना लिया। ठीक है नाउ फिर हम क्या करेंगे, एंगल बी 45 डिग्री दे रखा है, बी पे हम 45 डिग्री बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। लेट्स से 45 डिग्री है। उसके बाद एंगल ए हमें दे रखा है कितना, 105 डिग्री। एज द अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए दे रखा है 105, एंगल बी दे रखा है 45, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 105 प्लस 45 दैट इज 150 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, यानी एंगल सी कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। एंगल सी कितना हो गया 30 डिग्री, यानी मैं सी पे कितना डिग्री का एंगल बनाऊँ, 30 डिग्री का। विद द हेल्प ऑफ कंपास हम 30 डिग्री एंगल बना लेंगे, ये 30 डिग्री और बाय डिफॉल्ट ये 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दैट इज योर पॉइंट सी, सॉरी ए, दैट इज योर पॉइंट क्लियर। नाउ अब हमें ये तो हमारा ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल हो गया। अब इस गिवन ट्राइंगल की हमें सिमिलर ट्राइंगल बनाना है, तो वही स्टेप्स दोहरानी है जो हमने लास्ट केस में डिस्कस करी थी। तो सबसे पहले तो हम एक्यूट एंगल बनाएंगे बी पर, बना लिया। अब हम इसके कितने पार्ट्स करेंगे, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी ज़्यादा होगा हम उसकी उतने ही पार्ट्स करेंगे। इस बार न्यूमरेटर ज़्यादा है तो हम इतने पार्ट्स करेंगे, कितने पार्ट्स करेंगे दैट इज़ 4। तो बी को सेंटर रखा, कोई सा भी रेडियस फिक्स किया, हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे दैट इज B1 B2 B3 एंड B4। ठीक है ये हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। नाउ अब देखिए ध्यान से, गिवन ट्राइंगल किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 3 को। गिवन ट्राइंगल किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 3 को। तो हम पॉइंट 3 से C को कनेक्ट करेंगे, पॉइंट 3 B3 को हम C से कनेक्ट करेंगे, जॉइन B3 C। ठीक है उसके बाद देखो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 4 को, यानी B4 से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि B3C के पैरेलल हो। तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि B3C के पैरेलल है, इसको हमें आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है जहाँ पे ये मीट करेंगे इसको हमने नाम दे दिया C-। तो हमने क्या किया, B4 से फ्रॉम B4 वी ड्रॉ अ लाइन, फ्रॉम B4 वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू B3C। ओके तो वो BC को प्रोड्यूस करने पे C- पे मीट कर रही है। ओके नाउ फ्रॉम C- वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AC। C- से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AC के पैरेलल हो। तो ये हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, फ्रॉम C- वी ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू BC। ओके Which is parallel to AC। Now, let's say ये जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A-। तो
our required triangle. So the required triangle is A dash B C dash. This is your required triangle, that is A dash B C dash, जो कि ABC के सिमिलर है और उसकी साइड 4 by 3 times of triangle ABC होंगी. क्लियर? इसका भी जस्टिफिकेशन जैसे हमने पिछले केस में देखा उस तरह से हम दे सकते हैं. जैसे कि ट्राइंगल बी बी फोर सी डैश में हम देख रहे हैं कि बी थ्री सी क्या है, बी फोर सी के पैरेलल है, तो इसमें बीपीटी लगा सकते हैं. तो जैसा हमने पहले केस में रिपीट किया है वैसा ही सेम हम यहाँ पे रिपीट करके इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हैं. आई थिंक यू कैन डू इट. ओके, जस्टिफिकेशन यू कैन डू इट. तो दैट्स अबाउट द ट्राइंगल्स. In the next part, we discuss about the circles, construction of circles, how we can draw the tangents to a circles. Okay, thank you.